तो गाइस ये देखो, ये हमारी हो गई पैकिंग स्टार्ट। दीपक गत्ते वत्ते चिपकाना स्टार्ट कर दिए हैं हमने। सारा सामान फैला के ऐसा रख दिया है, कौन कौन सा सामान पहले रखना है। बलून्स दीपक के बर्थडे के अभी भी नहीं उतरे। दीपक इधर देखो ना, वीडियो बना रही हूँ। हेलो बोलो। हेलो, हाँ दीपक बोल रहे हैं। दीपक काम में बहुत बिजी हैं, और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारा गैस और सब उधर चला गया, तो दोपहर में हमने बिरयानी मंगाई थी, फिर शाम को मेरा समोसा खाने का मन कर रहा था। मैंने सोचा पहले पैकिंग करते करते समोसा खाएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो फिर हमने मंगाया समोसा। ये देखो यम्मी यम्मी से कितने बड़े बड़े समोसे दे रखे हैं। और फास्टिंग के बाद ना बहुत दिन बाद मैं समोसा खाने जा रही हूँ, तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है कि कब मैं समोसा खा लूँ। दीपक तो अपना काम में लगे। दीपक आ जाओ और ना मैं खा जाऊंगी पूरा। आ जाओ ना। समोसे खाने के बाद हमने फिर से पैकिंग की। ये देखो पूरा खाली कर दिया, सारा गत्ते में भर दिया। रूम कितना बिखर गया है, आज इसी में सोना है। अब हम सो जाएंगे। देखो हमारा मिट्ठू इधर घूम रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, ये मेरी हालत देख रहे हो, ये शिफ्टिंग की हालत है। तो सुबह उठते ही दीपक फिर से लग गए शिफ्टिंग में। देखो इधर नमकीन कोल्ड ड्रिंक सब ला के रखे हैं कि पियेंगे खाएंगे, बट कुछ खा पी नहीं रहे, बस काम 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 किए जा रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। हमारे किचन का सामान भी अभी पैक नहीं हुआ है। देखो दीपक टेप ओप खोल के कुछ कुछ कर रहे हैं। इतने सारे कार्टून्स गत्ते लाए थे ना, वो सारे कम पड़ गए। हमारा सामान इतना ज़्यादा है, हम कैबिनेट नहीं ले जा रहे हैं, अपनी बेड नहीं ले जा रहे हैं, ड्रेसिंग टेबल नहीं ले जा रहे हैं, साइड टेबल नहीं ले जा रहे हैं, डाइनिंग टेबल नहीं ले जा रहे हैं, सब कुछ यहीं छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने नए घर में सब कुछ नया नया लेने वाले हैं। तो कैबिनेट हमने खाली कर दिए। देखो इस तरह से इसको फेंकना पड़ेगा। गत्ते देखो एक ही गत्ता दिख रहा है, गत्ते के सारे ये लोग लग गए, अभी सब नीचे ले जा रहे हैं। 4 से 5 लोग लगे हुए हैं शिफ्टिंग में, बट फिर भी इतना देर लग रही है शिफ्टिंग में। देखो कुछ कुछ सामान बचा है, बाकी का सामान नीचे चला गया है। अब देखो नीचे सामान जाने के बाद ये वो सामान है जो हम नहीं ले जा रहे हैं, चेयर एंड ऑल। किचन का तो हमने सामान ले लिया है अपना, क्योंकि मसाले सब थे, और चेयर वगैरह छोड़ दिए हम, बेड छोड़ दिए हैं, और कैबिनेट भी छोड़ दिए हम, डाइनिंग टेबल चेयर भी छोड़ दिए। ये सब अभी यहाँ छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, फिकवाना पड़ेगा। देखो मैंने सुबह से उठ के सारा सामान पैक किया, पूरा घर खाली लग रहा है। ये सब हम नहीं ले जा रहे हैं, सामान पूरा नीचे चला गया है। मैं जा रही हूँ, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे अपने नए वाले घर में, वहाँ पे अनपैकिंग वगैरह करनी होगी। बहुत हालत ख़राब है। ऐसा सामान पैक किया कि सब कुछ पैक हो गया, कपड़े चेंज करने के लिए, मेकअप करने के लिए कुछ नहीं रह गया। ये मेरा लैंप है, देखो मिट्टू ने गंदा कर दिया इसको। और देखो मेरे पास स्लीपर भी नहीं है, मैं बिना स्लीपर के जा रही हूँ। ऐसी पैकिंग की कि सब सामान ही ख़त्म कर दिया। इतना सारा सामान मैं हाथ में भी लेके जा रही हूँ। ये आ गई हमारी एलिवेटर। बाय बाय पुरानी वाली जगह, हम लोग जा रहे हैं अपने नए घर। तो ये आ गई मैं नीचे पार्किंग में। देखो हमारा मिट्टू यहाँ बैठा है, गाड़ी में जाने का वेट कर रहा है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, और दीपक देखो कुछ कुछ सामान अंदर रख रहे हैं गाड़ी खोल के। चलो मैं दूसरी साइड दिखाती हूँ जहाँ पे पिकअप खड़ा है। वो देखो पिकअप खड़ा है, जो ब्लैक कलर की कवर कर रखे हैं पूरा, वो उसमें पूरा सामान भरा हुआ है। हम लोग पूरा सामान नहीं ले जा रहे हैं यहाँ से, फर्नीचर वगैरह, बस कपड़े एंड ऑल ले जा रहे हैं, तो फिर एक ही पिकअप में सामान चला जाएगा। हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, रास्ते में हैं। देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा है। पेपर वाले, उसमें सामान पैक करके पिकअप पे रखा है। तो आई डोंट नो कि वो सामान अगर गत्ता भीग गया तो सब कपड़े वपड़े मतलब गीले हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, बाकी तो और कोई टेंशन नहीं। बट हम लोग अपने घर में शिफ्टिंग के लिए इतना खुश थे कि वो बात हमें ज़्यादा पता नहीं चली। हम लोग आराम से लाउड म्यूजिक करके और अच्छे से मौसम इंजॉय करते करते जा रहे थे। कोई बात नहीं, हमें लगा भीग जाएगा तो कोई बात नहीं, कुछ कपड़े फेंकने पड़ेंगे तो हम फेंक देंगे, बट हम मौसम का फुल मजा लेते हुए जाएंगे। ये पहुंच गए हम अपनी पार्किंग में। ये पार्किंग से दीपक अंदर जा रहे हैं। देखो बैग यहाँ ऑलरेडी रख दिया है। मिट्टू को साथ साथ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्ली बहुत होती है पार्किंग में। कुत्ते तो नहीं होते हैं दुबई में, बट बिल्ली बहुत होती है, तो मिट्टू को हम लोग साथ ले आए। ये है हमारा एलिवेटर, देखो कोई निकल के भी आया। ये हम बस इतना सामान गाड़ी में डाल के लाए थे,
तो हम लोग यही बस लेके जा रहे हैं अंदर। मिट्टू देखो कितना डरा हुआ है, इसको सबसे पहले ले जाके निकालना पड़ेगा। तो ये देखो हमारा मिट्टू आ गया घर में, आती इसको आ गई मैं बाहर बालकनी की सैर करवाने। मिट्टू बाहर पैरेट वैरेट बोलता देख के एकदम खुश हो रहा है। मिट्टू चू 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 बोल रहा था, ये सोच रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। देखो मेरे को बार बार पकड़ के मेरे पास चिपकने की कोशिश कर रहा है। हम लोग अभी देखो बालकनी में घूम रहे हैं, देखो बिल्कुल भी मेरा मिट्टू भागने की कोशिश नहीं करता है, बिल्कुल मेरे पास चिपका रहता है। वैसे दूसरे मिट्टू रहें तो ऐसे बाहर लाने पे उड़ सकते हैं, बट देखो आप लोग बोलते ना उड़ जाएगा बाहर, ले जाओगे ले आई बाहर। हम लोग आगे घर में, मिट्टू को पहले पूरे घर की सैर करवा दूँ मैं, है ना। मिट्टू के लिए सब नया नया है, भाग के मेरे पास जल्दी जल्दी आ रहा है। मेरा कपड़ा और मेरा हाथ दोनों काट रहा है इसका पैर से, बट अब क्या करें, मिट्टू को देख काट रहा है मेरे को। मिट्टू ये किचन है देख, वो किचन है, वहाँ से तेरा खाना आएगा, है ना। और मिट्टू आज पहली बार घर में आया ना, हम लोग तो आ चुके थे। ये बेडरूम है जहाँ तुझे आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ सिर्फ हम लोग सोएंगे। मिट्टू ये देखो, मिट्टू ने हाथ पे बैठ बैठ के, हाथ पे बैठ बैठ के मेरे हाथ की क्या हालत कर दी, पूरा काट दिया देखो, दिख रहा है एकदम। और फिर भाग के जल्दी से हाथ पे ही आ जाता है, इसको मज़ा आ रहा है मेरे हाथ पे बैठ के बढ़िया से अच्छे से नज़ारा देखने का, है ना। गुस्सी होके काट भी मेरे को रहा। सामान तो सारा घर में आ गया, देखो कैसे फैला हुआ है। चेयर मिट्टू कब्जा कर लिया, इसको अच्छा लग रहा है तो यही बैठा है। यहाँ टेबल वगैरह है, बाकी देखो गत्ते गत्ते अंदर रखे हैं। अभी खैर सारा सामान आया नहीं है, धीरे धीरे आ रहा है। मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ तो मैंने बस बना लिया, थोड़ा सा अंदर रखा हुआ है। बाकी सामान नीचे से ऊपर अभी लेके आ रहे हैं सब लोग। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा थोड़ा अपना वीडियो वहाँ नहीं बना पाई थी तो थोड़ा थोड़ा अपना वीडियो बना लेती हूँ। बालकनी से इतना अच्छा व्यू दिखता है यार कि मन करता बार बार बस आके बालकनी में खड़े होके, इतनी प्यारी हवा लगती है ना कि ऐसे लगता बस बालकनी में खड़े होके ना अच्छे से सुकून की सांस लेते रहो। और इधर देखो टावर व्यू है मस्त। मुझे यहाँ की बालकनी, अपने घर की बालकनी सबसे ज़्यादा पसंद आई। बाकी बेड वगैरह अभी हम लाए नहीं है, बेड वगैरह लाएंगे, जब सोफ़ा लाएंगे बेड लाएंगे तो और अच्छा लगेगा घर। किचन भी पूरा फैला है देखो, और सामान आ गया। देखो अभी मैं बाहर आई, कम सामान था ना, अभी देखो ज़्यादा सामान आ गया। रात हो गई शिफ्टिंग करते करते, ये देखो पूरा मैंने किचन का सामान थोड़ा थोड़ा खोला, फिर मैंने चिप्स और चाय बनाया, हमने चाय वाय पिया, चिप्स खाया। फिर उसके बाद लंच में मैंने दाल राइस बनाया था। सारा किचन का सामान फैला है, फिर मैंने थोड़ा किचन का सामान समेटा, थोड़ा सा बाहर का सामान थोड़ा थोड़ा समेट के रखा। अभी सब कुछ एक दिन में नहीं हो सकता तो मैंने बस गत्ते वत्ते ऐसे छोड़ दिए, जो जो बस यूज की चीज़ें थी वो मैंने निकाल के किचन में रख लिया और कुछ बेडरूम में रख दिया। मतलब सब यूज की चीज़ें बस जो एक दो दिन यूज हो जाए वो रख लिया। बाकी हम लोग कैबिनेट लाएंगे, बेड लाएंगे, सोफ़ा लाएंगे, सारा फर्नीचर जब लेके आएंगे ना उस टाइम शिफ्ट करेंगे। मिट्टू को देखो, मिट्टू चेयर से भाग के आके इधर देखो झूले पे बैठ के बालकनी में व्यू का मज़ा ले रहा है। खैर व्यू इसको क्या दिख रहा होगा, बट यहाँ हवा बहुत अच्छी लग रही है और उसको थोड़ा खुला खुला सुकून फील हो रहा होगा ना, इसलिए आके बैठा है यहाँ पे। आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय।